हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ऐप लॉक। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ओप्पो के इस फ़ोन में कैसे एप्लीकेशन लॉक करने हैं। किसी भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं आप तो कैसे कर पाएंगे, जैसे कि फेसबुक को या फिर व्हाट्सएप को, तो कैसे लॉक कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जैसे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है प्राइवेसी का ऑप्शन, तो इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको मिल जाता है ऐप लॉक, तो इस ऐप लॉक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको एक सेट प्राइवेसी पासवर्ड, तो सबसे पहले आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना है, तो सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप 6 डिजिट का कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं या फिर यूज़ ए डिफरेंट टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप 4 डिजिट का भी कर सकते हैं या फिर पैटर्न लॉक भी लगा सकते हैं। तो अभी हम 4 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर 7586 7586, तो ये पासवर्ड हमने सेट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है रिकवरी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको देना होता है। अगर आप यहाँ से इस आंसर को दे देते हैं तो वाई दफ़े आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये पासवर्ड अगर आप बाद में डाल देंगे तो ये आपका पासवर्ड को फॉरगेट कर देता है। तो अभी यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम वन ऑफ़ योर टीचर्स, तो यहाँ से अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ये चेंज भी हो जाता है। अगर आप अपने इस क्वेश्चन को नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई और भी लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, जो भी आप यहाँ पर लगाना चाहें। तो अभी हम टीचर का नाम है, टीचर के नाम पर ही रहने देते हैं और यहाँ पर एक सिंपल सा नाम डाल देते हैं। ओके, और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपका ये ऑन हो चुका है। अब आपको यहाँ से इसे क्लिक कर देना है इस तरीके से। अब आप किस एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं, तो अभी हम क्रोम को और एक और दूसरा ब्राउज़र जो कि है फेसबुक, तो ये दो एप्लीकेशन लॉक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से इसे बैक कर देना है। सिंपल सा बैक करने के बाद यहाँ पर क्रोम को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर यह पासवर्ड मांग रहा है। जैसे हमने पासवर्ड को फिल किया और हमारा क्रोम ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक कर पाएंगे अपने इस फ़ोन में। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।